हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई करियर स्पीड में। आज मैं इस वीडियो में जीके एंड जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT प्रदूषित करता है। ऑप्शन ए मिट्टी को, ऑप्शन बी जल को, ऑप्शन सी हवा को, ऑप्शन डी सभी को। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, अर्थात सभी को। DDT मिट्टी को भी प्रदूषित करता है, जल को भी प्रदूषित करता है, हवा को भी, अर्थात सभी को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT का पूरा नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डाइफेनिल ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन सेकेंड डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ऑप्शन सी डाइऑक्सी डाइक्लोराइड ट्राइएथेन, ऑप्शन डी डाइमेथिल ट्राइक्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, भारत एवं चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, ऑप्शन दो नीचे है रेड क्लिफ रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत एवं चीन के मध्य पूछा गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में है, पहले ये भारत और पाकिस्तान के साथ में थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बता दें रेड क्लिफ रेखा, ये रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। भारत किस देश के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन चीन, एंड थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ नेपाल। तो भारत किस देश के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक, और सबसे कम किसके साथ करता है? सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक, नियर अबाउट 106 किलोमीटर, और इसके साथ में 4000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में दलहन की खेती करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट नॉर्वे, ऑप्शन सेकंड अमेरिका, ऑप्शन थर्ड रूस, ऑप्शन फोर्थ भारत। तो इसका भी आंसर हो जाएगा भारत। भारत में भी कहाँ? तो IPS ये कहाँ है? कानपुर में, इंडियन पल्सेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, अर्थात MP। इसी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, अर्थात वायु द्वारा यातायात, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1911 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1910 में, और ऑप्शन डी 1912 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 1911 में। कहाँ से हुई थी? इलाहाबाद से नैनी के बीच में, भारतीय डाक सेवा शुरू करने के लिए।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल व्यवस्था का जनक माना जाता है, भारत में रेल व्यवस्था का जनक माना जाता है किसको? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले को, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए।